जय माता दी। दोस्तों आज का हमारा रेसिपी है इस तरह का आलू दम। तो गाइस हम आलू दम का रेसिपी दिखाएंगे, तो इस तरह से कचौड़ी या परेठा या रोटी से भी आप खा सकते हैं। तो इस तरह का हमारा आलू दम तैयार होगा। तो गाइस चलते हैं हम बनाने की ओर। तो गाइस हम एक पैन में हम आँच पे रख दिए हैं गर्म होने के लिए। तो हम उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, करीब 3 चम्मच लगभग। तो चम्मच तेल डालने के बाद हम चलते हैं, थोड़ा हम लहसुन और मिर्चा कट करके डाल दिए, तो इसको थोड़ा हल्का से पका लेंगे। इस तरह पक जाने पर हम इसमें और सामान यूज करेंगे। तो देखिए, तो हम क्या डालते हैं इसमें, धनिया के पाउडर डाल रहे हैं 1 चम्मच। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे मसाला भूनने के लिए। तो हमने पानी डाल दिए हैं, तो इसमें हम आधा चम्मच थोड़ा सा हल्दी डाल रहे हैं। तो हल्दी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। तो इस तरह हम थोड़ा से भून लें अच्छे से। तो हम इसमें मटर डाल दिए हैं करीब 1 कटोरी छीमी के दाने। तो थोड़ा सा इसको मिला लें इस तरह। तो मिलाने के बाद हम इसमें उबले हुए आलू हमने 250 ग्राम डाल दिए हैं और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद हम इसको थोड़ा मिलाएंगे, इस तरह मिला लें। मिलाने के बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल रहे हैं, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, देख लीजिए इस तरह। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिलाने के बाद इस तरह, और बहुत अच्छी क्वालिटी में तैयार हो रहा है एकदम बहुत कम समय में। तो हम तो थोड़ा से ढक दे रहे हैं 2-3 मिनट के लिए। तो गाइस हमारे 2-3 मिनट हो गए हैं, तो हम इसको खोल के चेक करेंगे। तो देखिए इस तरह कितना शानदार, एकदम फटाफट से नाश्ता तैयार है। तो इस तरह का नाश्ता बनाने के लिए जुड़े रहे हमारे वीडियो में और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट वगैरह ये सब निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता, नहीं पैसे नेट कटते हैं। तो ये सब एकदम फ्री है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करने और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट शेयर करना ना भूले। तो इसमें थोड़ा सा हम मसाला डाल रहे हैं गरम हल्का सा, देख लीजिए, और हमने धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। तो गाइस हमारे ये घुघरी जो है आलू दम के, तो हम इसको थोड़ा सा चला ले रहे हैं इस तरह। तो चलाने के बाद गाइस हम चेक करके दिखाएंगे, तो आपको चेक करके दिखाएंगे क्या इसका रोटेस होता है। तो गाइस देख लीजिए इस तरह से, मटर को चेक करिए, मटर तो हो गए हैं, आलू तो खाई हमारा उबले हुए थे तो आलू भी पकी ही गए हैं। तो गाइस हमारा घुघरी तैयार है, तो इसको हम प्लेटिंग के लिए चलते हैं गाइस। तो हमने पहले कचौड़ियाँ बना लिए थे, इस तरह से हम घुघरी का प्लेटिंग कर रहे हैं। तो ये कचौड़ी हमने पहले वीडियो में डाल रखे थे कैसे बनाना है, तो गाइस उसमें देख के आप इस कचौड़ी को बना सकते हैं, छीमी की कचौड़ी है। तो इस तरह का हमारा प्लेटिंग है। तो प्लीज़ गाइस हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब, निःशुल्क सब्सक्राइब है, कोई इशू कोई चार्ज नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।